आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा में भीड़ लगने से हड़कंप मच गया। सभी महिलाएं नसबंदी ऑपरेशन करवाने पहुंची थीं। अस्पताल में व्यवस्था देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। पता चला कि पलंग 30 और केस 200 आ गए हैं। हालांकि जागरूकता के हिसाब से ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से ये सरकारी तंत्र की पोल खोलने वाली भी थी। जानकारी मिली कि आशा कार्यकर्ता एक एक केस लाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने तीन तीन केस लेकर आ गए। पटेरा BMO अशोक बडोनिया ने बताया कि गलत फहमी की वजह से भीड़ जमा हो गई। आशा कार्यकर्ताओं को एक एक केस लाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तीन तीन महिलाओं को ले आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा में मात्र 30 पलंग ही हैं, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए लगभग 200 केस आ चुके हैं, इसलिए अव्यवस्था हो रही है। बुलाया था आपको? बोलो दोबारा बुलाया तो नहीं कि दोबारा में आगा चौबे नहीं जैसे हवा पड़ी था मोरा भाई आगा चौबे भी नहीं था। सुबह से लाइन में लगी है? सुबह से लाइन में लगी है। पियली है ने नाम लीजे बुलाए नाम लीजे बुलाओ उन्हें यार। सो हमारी फोन तो पकाओ नाम तो हाँ बेटियारा के बेरात होगा कहीं होगा ना। कब से बैठ आप यहाँ कब से बैठे? हम इधर बैठे 6 बजे थी। 6 बजे की? 6 बजे अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं भाई, आप भी आई हो साथ में? डॉक्टर लोग मिला ही नहीं। क्या है ये महिला नसबंदी का दिन है आज गुरुवार, इसलिए महिलाएं आई है। कोई मास्क लगा रहा है ना सर, डिस्टेंस पालन हो रहा है। क्या हो रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठी ज्यादा हो गई है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जो आदमी है वो ही परेशान कर रहे हैं, जो स्टाफ आया है वो ही परेशान कर रहे हैं, आशा ही परेशान कर रहे हैं। अपन को कैंप का रूल आया है कि अपन को 30 केस से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि 30 पलंग है अपने पास, अब वो हो गया है 100 केस, इसलिए वो भीड़ मचा रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों का कहना है कि एक हफ्ते पहले केस वो हो गए थे। हाँ क्या हुआ, जैसे पिछली बार 30 केस लेना थे पल को, अच्छा। अब 90 केस आ गए हैं, अच्छा। तो जो 60 केस हैं वो तो अगले कैंप में जाएंगे, अच्छा। वो अगले कैंप में अपन को 30 केस लेना है, तो 30 केस और बचेंगे वो तीसरे कैंप में जाएंगे, इसलिए उनको लग रहा है कि हम दो बार आ चुके हमारा नंबर क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि एक कैंप में 100-100 मरीज आ रहे हैं, तो लेना अपन को मात्र 30 है, जो एक्स्ट्रा होंगे वो अगले कैंप में जाएंगे, अगले कैंप में भी 30 लेना है तो वो एक्स्ट्रा बचेंगे वो अगले कैंप में जाएंगे। सुना है कुछ मरीजों का कहना है कि हमको बुला लिया गया है। नहीं, किसी को नहीं बुलाया अपन ने, अपन ने किसी को कोई खबर नहीं करी है, बच्चे में बताया कि आज कैंप है, 30 केस लेना है, और अब जो आशा है अपने यहाँ से एक ही केस लेके आई, अब वो तीन तीन केस लेके आ गई है, तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अपन ने जानकारी नहीं दी कि अस्पताल जाना है तो मास्क लगा के जाना है, कोई मास्क नहीं लगाया सर। सबको जानकारी है, सब कुछ पता है, ये करीब 5-6 महीने से कोरोना चल रहा है, सबको बताया कि मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो, लेकिन कोई मान्य बताया नहीं। पुलिस भी पूरी खड़ी हुई है पीछे, पुलिस भी सबको समझा रही है। रविकांत बिदौलिया की रिपोर्ट।